चलिए आज बात करते हैं जो सबसे चर्चा का विषय है पूरे सोशल मीडिया पे, अंबानी की प्री वेडिंग। मुकेश अंबानी जो दुनिया के 9th रिचेस्ट इंडियन है इस वक्त, उनकी जो नेटवर्थ है वो अबाउट $116 बिलियन है। उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग करी जामनगर में और उसके चर्चे हर जगह हैं। बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ, इंडिया के बॉलीवुड सितारे, उनको देखने के लिए भीड़ें उमड़ जाती हैं। वो सब लोग नाच रहे थे, शरीक हो रहे थे अनंत अंबानी और राधिका की वेडिंग। इसमें कुछ 5 बवाल हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। कितने पैसे दिए गए अंबानी के द्वारे इन सारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स को, कितना खर्चा हुआ, क्या वो खर्चा जायज था या नहीं था, शाहरुख खान का इडली बोलना रामचरण को सही था या नहीं था, राधिका ने अपनी स्पीच जिसको सारी फेमिनिस्ट भर भर के सोशल मीडिया पे सेंड कर रही है इमोशनल होके, रोने वाले इमोजीज यूज करके, वो क्या कॉपीड स्पीच है और वो कॉपी करना सही है गलत है, क्या अंबानी का इतना सारा पैसा अपनी वेडिंग में स्पेंड करना गलत है सही है, कौन सी वो घड़ी थी जिसको देखकर जुक्कू भैया हैरान हो गए, उनको गरीबों वाली फीलिंग आ गई, मैं गरीब हूँ। ये खानों ने नाचने के कितने पैसे लिए और कंगना का ये तंज कसना कि मैं तो कभी इन वेडिंग्स पे जाकर पैसे लेकर कभी ना नाचूं, क्या वो सही था? ये सारे 5 बवाल और कुछ और कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या बुलाया गया था इस वेडिंग में और अगर वो नहीं गए तो क्यों नहीं गए, यही सारे बवालों और इन्हीं बातों पे है आज का वीडियो डेडिकेटेड। ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि सारे रूमर्स जो फैले हुए सोशल मीडिया पे उनको आज डिकोड करते हैं, उस पे मेरी ओपिनियन है। चलिए बात करते हैं। इडली वाला रिमार्क इस पे जो रामचरण की जो मैनेजर है या मेकअप आर्टिस्ट आई गेस ज़ेबा हसन, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बोला कि ये साउथ इंडियंस का मजाक उड़ाना सही नहीं है, मैं शाहरुख खान की फैन, ऊपर शाहरुख खान ने जो रामचरण को जिस तरह बुलाया स्टेज पे वो गलत था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आपको क्या लगता है ये SRK ने बेइज्जती करी रामचरण की, क्या ये साउथ इंडियन एक्टर्स को गलत ढंग से ट्रीट करते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा देखिए इट हैज टू बी कि शाहरुख खान की रैपो है, उनकी जो दोस्ती है रामचरण से, शायद उसी की वजह से शाहरुख खान ऐसा करते हैं। शाहरुख खान इज नोन वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, आपने देखा होगा कई अवार्ड फंक्शंस में वो ऐसे तंज भी कसते हैं, मजाक भी करते हैं और पीपल एंजॉय दैट अ लॉट एंड दैट्स शाहरुख एटीट्यूड। पर क्या पब्लिकली एक इतने बड़े सुपरस्टार को इस तरह से संबोधित करना ठीक है? मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि वहीं अगर अमिताभ बच्चन होते या फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त होते और संजय दत्त को वैसे बुलाते वो भी ठीक नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता, तो कहीं ना कहीं अपनी जो अपनी पर्सनल रेपो है उसको पब्लिकली आई बिलीव नहीं दिखाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक शाहरुख खान का इसमें इंटेंशन उनको जलील करना तो कतई नहीं होगा, पर जो साउथ इंडियंस हैं उनका रोष बिल्कुल वाजिब है क्योंकि उनके लिए रामचरण इज नॉट एनीथिंग लेस देन अमिताभ बच्चन, तो या दैट्स व्हाट आई वुड से। अब फनी बात है कि DDLJ में शाहरुख खान ने बोला था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, पर ये छोटी बात बहुत बड़ी बन गई प्री अंबानी वेडिंग में। इस विषय ने बहुत और विषय जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वैसे ही इस विषय ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट में। अब चलते हैं दूसरे बवाल पे जो कि कंगना ने स्टार्ट किया। कंगना ने हमेशा की तरह उनको अब वेडिंग में बुलाया नहीं बुलाया, मुकेश अंबानी ने उनको बुलाया नहीं बुलाया, पर उन्होंने बोला कि अगर बुलाते भी तो मैं जाती नहीं, मैं लता मंगेशकर जैसी हूँ। लता मंगेशकर ने भी एक बार बोल दिया था कि वो किसी प्राइवेट जगह जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको ये ठीक नहीं लगता। ऐसे कंगना ने बोला वो कितना भी पैसा मिल जाए, उनको $5 मिलियन भी मिलते तब भी वो ऐसे शादी में जाके नाचती नहीं। पर जहां तक हमें पता है किसी ने एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड एज पर देयर रेपो विद अंबानी, किसी ने भी पैसे नहीं लिए थे। हाँ जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे जैसे कि रिहाना, एकॉन एंड सम अदर्स, हाँ उनको पैसे दिए गए थे, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और सारे बॉलीवुड एक्टर्स, उनको एक पर्सनल कनेक्ट और पर्सनल रेपो की वजह से बुलाया गया था, चाहे वो नीता अंबानी के साथ हो, चाहे अनंत अंबानी के साथ हो, चाहे वो मुकेश अंबानी के साथ हो, उस रेपो की वजह से ही लोग इस वेडिंग में आए। तो कहीं ना कहीं कंगना का ये जो तंज था मुझे कहीं ना कहीं मिस टाइम लगा। और बात ये भी हो सकती है कि क्या कंगना को बुलाया या नहीं बुलाया, क्या अंगूर खट्टे तो नहीं थे? आपको क्या लगता है क्या कंगना के लिए अंगूर खट्टे थे या कंगना यहाँ सही बोल रही थी, जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपको भी ऐसा इन्फ्लुएंस का माना ना जैसे शायद आपको भी इन वेडिंग्स में बुलावा आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपनी डिजिटल अथॉरिटी जरूर बनानी चाहिए। और इसी के लिए अगर आपको फ्री न्यूज़लेटर, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हर हफ्ते, तो मेरा डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सारी टैक्टिक्स, सारी ट्रिक्स, सारी सीक्रेट्स मिलती रहे वो भी फ्री आपके ईमेल में। तो अगर आप चाहते हैं इस डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर को तो आज ही नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाके यहाँ सब्सक्राइब कर लें तुरंत, तो आपको ये ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे आज से ही।
अब आते हैं, बात करते हैं कि एक्सपेंस जो हुआ मनी वेडिंग में, क्या वो सही था या गलत था? इतना सारा पैसा खर्च करना एक वेडिंग में क्या सही है क्या गलत है? पहले तो बात करते हैं एक्सपेंस हुआ कितना, और इससे जो जुड़ती हुई सुर्खियां हैं उनमें से टॉप पे क्या चीज है। सबसे टॉप पे तो वही सीन जो वायरल हुआ, जहां मार्क जुकरबर्ग जुकू भैया ने जैसी आनंद अंबानी की वॉच देखी और जब उनको पता चला ये तो वही है रिचर्ड माइल, वो जो 10 घड़ियां है पूरी दुनिया में, ये तो वही वॉच है। और इस घड़ी के बारे में बोले तो ये है RM5602 एनकेज इन प्योर क्रिस्टलाइन सफायर विद अ प्रॉपर स्केलेटन मूवमेंट, जिसकी बेस प्लेट जो है ना वो ग्रेड 5 टाइटेनियम में फोर्ज्ड है। अब ऑब्वियसली जब जुकरबर्ग ने देखा तो उनका रिएक्शन साफ दिखा रहा था कि उनकी जो बीवी है वो बहुत ज्यादा चंबित हो गए हैं, बिकॉज मार्क जुकरबर्ग बहुत मिनिमलिस्ट आदमी है, वो तो हमेशा एक ही शर्ट में दिखते हैं। अब उन्होंने जब ये घड़ी देखी तो उनको लगा ऐसी घड़ी तो होनी चाहिए। पर यही नहीं, 300-400 विमान आए इस प्री वेडिंग फंक्शन के लिए, जहां जामनगर में 3-4 विमान ही आते हैं, वहां इतने सारे विमान और उसमें से 7-8 तो अंबानी के खुद के थे। पर यही नहीं, रियाना को 80 करोड़, एकॉन को कुछ करोड़, ड्वेन ब्रावो को बुलाना, किरण पॉलेट को बुलाना और जितने सारे फिल्म सुपरस्टार्स, इतने फिल्म स्टार्स तो एक अवार्ड फंक्शन में नहीं आते, आईफा में नहीं आते जितने अंबानी की वेडिंग में आए हुए थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, कोई भी नहीं छुटा, और इनमें से बहुत लोगों ने नाटू नाटू भी किया, मतलब नाचे भी, और इसमें से 3 खान नाचे। अब शाहरुख खान ने बहुत टाइम पहले बोला था, जब किसी ने पूछा क्या आप तीनों को कोई एक फिल्म में कास्ट कर पाएगा, तो शाहरुख ने बोला कि भाई चड्डी बनियान के भी पैसे नहीं बचेंगे और हमें कास्ट कर लिया। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी आप फिल्म? आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। पर कहीं ना कहीं अंबानी क्या ये तीनों नाच रहे थे, वो और बात है कि ये साफ है कि ऑब्वियसली नोबडी टुक एनी मनी फॉर दिस, दे हैड एज आई सेड क्योंकि पर्सनल रेपो थी जिसकी वजह से वो लोग इस फंक्शन में शरीक हुए। पर हाँ, तीनों को इकट्ठा करना तो किसी अवार्ड फंक्शन में भी पॉसिबल नहीं होता, पर अंबानी ने ये कर दिखाया। अब आते हैं कि यहां पैसा कितना खर्च हुआ और क्या ये पैसा इतना स्पेंड करना सही है नहीं है। तो देखिए, ही इज द 9th richest guy in the whole world, उनकी जो वेल्थ है, जो उनकी नेटवर्थ है, इज अबाउट $116 billion एज ऑफ टुडे, मैं रियल टाइम बोल रहा हूं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और उनकी शादी में आए मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स जो उनसे भी अमीर है, वो उनसे भी ज्यादा रिच है। इमेजिन करिए 3 रिचेस, बस इलोन मस्क वहां और लैरी पेज नहीं दिख रहे थे, बाकी वॉरेन बफे नहीं दिख रहे थे, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी थे। बट शादी के स्पेंड की बात करें तो 1000 करोड़ कुछ खर्च हुए इन 2-3 दिनों में, जो कि अगर मैं देखूं तो बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें अंबानी की वेल्थ को तो करीबन 9 लाख करोड़ तक हो जाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इतना तो अंबानी 2-3 दिन में कमा लेते हैं, इनफैक्ट 10 करोड़ रुपए तो 1 घंटे में कमाते हैं, तो उनके लिए इतना स्पेंड करना ज्यादा नहीं है। पर हाँ, स्पेंड करना चाहिए नहीं तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने बहुत लोगों को खाना भी खिलाया इस शादी में, बहुत लोगों को खाना खिलाया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। पर तब भी देखिए, वो इतना कमाते हैं, अब वो अगर अपने बेटे की शादी में नहीं खर्च करेंगे तो कब करेंगे, यू नो ही इज बीन अर्निंग। और आई थिंक ये बहुत डबल स्टैंडर्ड्स होंगे अगर उनको ये जज करा जाए कि वो पर्सनली उनका डिसीजन कैसा था। पर्सनल लेवल पे आई बिलीव कोई भी बाप अपने बच्चों की शादी में खर्च करेगा, और उनके लिए इतना ये पैसा इतना ज्यादा नहीं है, और अंबानी नहीं खर्च करेगा तो और कौन खर्च करेगा? और पूरा वर्ल्ड देख रहा है अंबानी की वेडिंग, आई थिंक यहां भी इंडिया का कहीं ना कहीं नाम ही हो रहा है, भाई ग्रेट इंडियन वेडिंग इसको बोलते हैं, राइट। पर अगर आप लार्ज पिक्चर में देखें, पूरे प्लैनेट को देखें, तो कई बच्चे गरीबी से मरते हैं, भूख से मरते हैं, कितने जगह मर रहे हैं। तो अगर आप लार्जर देन लाइफ जूम आउट करके जरा देखेंगे इस प्लैनेट की सिचुएशन को, तो जो वेल्थ है वो कुछ हाथ में है, और जब कई बच्चे गरीबी से अपना दम तोड़ देते हैं, भूख से अपना दम तोड़ देते हैं, तो लगता है कि थोड़ा सा गलत है। और वो गलत, इट्स नॉट अबाउट अंबानी, इट्स अबाउट लाइफ इज नॉट फेयर, द वे जैसे वेल्थ अनइवन ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, कुछ गिने चुने लोगों के पास सारी पावर है, सारी वेल्थ है, तो वो तो वैसे ही गलत है। मैं तो इसमें इतना ही कहूंगा, इसमें आप अंबानी को जज नहीं कर सकते, पर हाँ ये चीज थोड़ी एम्बैरेसिंग है, थोड़ी ऑकवर्ड लगती है जब आप देखते हो इस चीज को। और अब आते हैं राधिका मर्चेंट की स्पीच पे। गाइस, राधिका मर्चेंट की जो स्पीच थी बहुत इमोशनल कर देती है, बहुत सारी फेमिनिस्ट जैसे मैंने पहले भी बोला रोते हुए इमोजीज देकर इसको शेयर कर रहे हैं, स्पीच हो तो ऐसी हो, कितना प्यार करती है अनंत से। ये एक्चुअली स्पीच कॉपीड है, एक मूवी थी, हॉलीवुड मूवी 2004 की है, एंड द मूवी नेम इज शैल वी डांस, और इसमें बेवली क्लार्क दैट कैरेक्टर जो निभाया है सुजन सैरंडन ने, उसमें जो बेवली क्लार्क है वो डिनर पे वही चीजें बोलती है जो राधिका मर्चेंट ने बोली थी। All of it, all the time, every day. The good, the bad, the beautiful, the bold, the sad, the mundane. You're saying your life will not go unnoticed because I will notice it. You say I will see you every day. Your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness. Your life will not go unwitnessed because I will witness it.
तो थोड़ा सा ह्यूमरस लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है कि इतनी बड़ी शादी, इतना सारा इमोशन, तो कॉपी क्यों करी, खुद क्यों नहीं लिखे, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, या चैट जीपीटी का सहारा ले लेती। पर आई वुड से कि इसमें मैं राधिका मर्चेंट को जज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी चीज से आप इंस्पायर होते हो और उसको यूज करते हो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए और आप सही में उसको मीन करते हो, दैट्स ओके। बट मैं यही कहूंगा कि प्लेजराइज नहीं करना चाहिए, आई थिंक एट्रीब्यूट कर देना चाहिए था इस मूवी के डायलॉग राइटर को, इस मूवी को तो और जेन्युइन लगता और अच्छा लगता। मैं बस इतना ही बोलूंगा, बाकी आई एम 100% श्योर राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी बहुत हम्बल लग रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ये पूरी स्पीच दी बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इन लोगों से सीखने की जरूरत है, इतने रिच हैं, पर अगर ह्यूमिलिटी सीखनी हो तो इनसे आप सीख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि राधिका मर्चेंट को ये कॉपीड स्पीच बोलनी चाहिए थी या खुद का लिखना चाहिए था? खुद का लिख सकती थी, पर अगर इंस्पायर्ड है तो एट्रीब्यूट करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है खुद का पर्सनल। अब आते हैं कि मोदी साहब क्यों नहीं गए, मैंने इस पे पोल भी रखा था, रिजल्ट्स आपके पास है। कई लोगों ने बोला भी पीएम को शोभा नहीं देता जाना, आई बिलीव एब्सोल्युटली, और वैसे भी इलेक्शन टाइम्स पे कई लोग बोल रहे हैं ये राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भैया अंबानी तो तुम्हारा दोस्त ही निकला इसलिए तुम गए थे। अंबानी ने आई एम श्योर जब वो बिल गेट्स को बुला रहे हैं, जब मार्क जुकरबर्ग को बुला रहे हैं, तो पीएम मोदी को भी बुलाया होगा, बट ऑब्वियसली एज अ पीएम इट डजंट सूट अ पीएम टू गो इनटू अ वेडिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आई थिंक मैं इसी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, एंड दैट्स अ पॉपुलर ओपिनियन ऑल्सो, आई बिलीव इन द कम्युनिटी ऑल्सो पीपल थिंक द सेम। तो गाइस दिस वाज माय वीडियो ऑन अंबानी वेडिंग, अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई आपका इन सारे मुद्दों पे क्या ओपिनियन है, तो मुझे लगा कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर जगह ये सोशल मीडिया पे चर्चे था ये विषय, तो मैं भी क्यों ना अपनी ओपिनियन रखूं इस पे। अगर आप गाइस ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं मेरे से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना सब्सक्राइब करते करते, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा एक नया वीडियो अपलोड हो। अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, तो इस वीडियो की रीच और बढ़ेगी, जिससे हमारे प्लेटफॉर्म को और हमारे चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज यहां हम सोशल अवेयरनेस वाले विषय भी डिस्कस करते हैं जम के, जैसे मैंने हाल ही में एक ब्राजीलियन वुमेन के साथ जो हुआ उसके बारे में दो वीडियोस करे, और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे विषय देखने को मिलते हैं जो शायद और लोग नहीं उठाते, बिकॉज उनको पता है ऐसे विषयों पे ज्यादा व्यूज नहीं आते, पर अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं ऐसे विषयों पे वीडियोस बनाता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। अगर आप चाहते हैं मेरे से अप क्लोज रहना, हमारे कॉन्टेंट्स अप क्लोज रहना और कॉन्ट्रीब्यूट करना, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसे वीडियोस मेरे से पाते रहेंगे यहीं बेखौफ ढंग से, क्योंकि आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।